ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BSF ਨੇ BOP ਕੱਕੜ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NCB से हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो चेकिंग वगैरह किए गए, तो उस चेकिंग में एक जो पट्टा है जो है हम लोगों ने सीज किया है, बेसिकली प्योरली NCB बेस्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर। उसके अलावा कल शाम को जो है हम लोगों को एक मूवमेंट नज़र आया था कैमरे के द्वारा, और रात को चेकिंग की गई तो रात को तो कुछ मिला नहीं। अगले दिन सुबह फिर डिटेल सर्च किए गए, तो डिटेल सर्च के दौरान 2 पट्टे जो हैं ज़मीन के अंदर चक्की नाला के आगे कक्कड़ में दबे हुए पाए गए। और जब इनको जो है तीनों के तीनों चीज़ों को जो पुलिस, सरपंच, गांव के जो बुजुर्ग लोग या रिस्पेक्टेड लोग हैं उनके सामने खोला गया, तो इनके अंदर सस्पेक्टेड हेरोइन थे, जो कि आपने भी देखा। तो ये सर किसका है ये पट्टा, कुछ पता चला? तहकीकात उसके ऊपर होगी, उसी के बाद पता लगेगा किसका। ये कितने किलो हेरोइन है? ये तकरीबन 3.3 किलो के बीच। क्या ये नया तरीका है तस्करी का? तस्करी का एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि भाई इनोवेटिव तरीका है। ये सामान कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तहकीकात ये लोहा। अच्छा, लोहा जो है बेसिकल जो ट्रैक्टर और ट्रॉली है उसको जोड़ने के लिए यूज होता है, और आमतौर पर इसका वेट नॉर्मल जो है सॉलिड होता है 12 से 15 किलो, और ये अगर आप उठा करके देखेंगे तो ये 1 किलो नहीं है, हॉलो है।